Please have a seat. Yes. आपका रिज्यूमे दे दीजिए। थैंक यू। तो नीतू जी वेलकम, बताइए अपने बारे में कुछ हमें। सर मेरा नाम नीतू है, मैं मुख्यतः हरियाणा राज्य के ऐतिहासिक नगरी पानीपत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी जीरकपुर, पंजाब राज्य के जीरकपुर में हुई है। मैं एक समृद्ध खुशहाल परिवार से रहने वाली हूँ। मैंने 2012 में स्नातक किया था, 2013 में मैंने बीएड करी है और उसके बाद मेरी पढ़ाई कुछ पारिवारिक कारणों से छूट गई थी। जो मेरी शादी के बाद मुझे परिवार वाले मुझे बहुत सहयोगात्मक मिले हैं, उनके सहयोग से फिर मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करी। 2019 में मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद मैंने एमए स्नातकोत्तर की। कोई हॉबीज है फ्री टाइम में, क्या करते हैं? जी सर, फ्री टाइम में सर मैं योगा करती हूँ और यूट्यूब चैनल से मुझे कुछ खाना बनाना सीखना। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून। 21 जून को होता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, कुछ बताओ आदिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य के सर चार चरण हैं जिनमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। तो आदिकाल है सर, आदिकाल में सर हमारे जिस समय हमारे राजा महाराजाओं का समय था, वैसे तो भक्तिकाल और रीतिकाल में भी था, परंतु आदिकाल में जो कविताएं लिखी गई हैं उसमें वीर रस प्रधान की कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है, और आदिकाल का अलग अलग नामकरण हुआ है, किसी ने उसको वीर गाथा काल बोला है, किसी ने उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो उनको वीर गाथा काल का नाम दिया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनको बीज वपन काल का नाम दिया है। सबके अलग अलग है, परंतु तो जो सर्वमान्य मत है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिन्होंने आधुनिक काल आदिकाल का नाम आदिकाल रखा है और उसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से निर्धारित की है। और इसमें इसको सिद्ध सामंत काल भी बोलते हैं, बोलते सिद्ध सामंत काल, बीज वजन काल, बीज वपन काल सर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है। ठीक है, तो इसको चारण काल भी बोला गया है। हाँ जी सर, जॉर्ज गियर्सन जी ने इनको चारण काल बोला है। अच्छा, इसमें कुछ रचनाएं हुई है, कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम पता है आपको, कौन कौन सी है? हाँ जी सर, सबसे प्रसिद्ध तो पृथ्वीराज रासो की है रचना, वो एक महाकाव्य भी हम जिसको बोलते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन सी भाषा में लिखा गया था ये? सर ये डिंगल भाषा है, डिंगल पिंगल, जिंगल पिंगल जी सर। पर इसको तो ब्रज भाषा में लिखा गया था सर, इसमें ब्रज प्लस राजस्थानी भाषा है इसलिए इसको डिंगल भाषा बोलते हैं। ठीक है, और खुमान रासो? हाँ जी सर, खुमान रासो, हमीर रासो बहुत सारे इसमें लिखे गए हैं। तो जो आधुनिक काल है, बिसलदेव रासो। हाँ, बिसलदेव रासो। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जो समय सीमा है वो कब से है? आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से निर्धारित की गई है, 1857 से 1900 तो आधुनिक काल की है। तो आगे इसके अलग अलग कालखंड बनाए गए हैं। रीति काल के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? जी सर, बताओ रीति काल के बारे में। रीति शब्द सर जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, रीति की परंपरा, जैसे जो हमारे जो संस्कृत के आचार्य थे वो लिखते थे काव्यांगों के लक्षण जैसे कि रस, अलंकार, छंद, इस तरह के ग्रंथ लिखते थे। तो जो हमारे रीति काल के कवि ने उन्होंने भी उन्हीं का अनुसरण करके रीति काव्य उन्हीं के अनुसार। इसमें एक रीतिबद्ध आता है रीति काल में, तो रीतिबद्ध क्या है आपके कोड़े? सर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीन है। रीतिबद्ध तो वो है जिन्होंने जो संस्कृत आचार्य हैं उनके नियमों के अनुसार बंदी बंधाई परिपाटी में काव्य की रचना करी है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इनमें सर केशवदास जी प्रमुख है, केशवदास जी और भूषण जी ये है, सेनापति वृंद। कोई बात नहीं, जो चिंतामणि हो किसमें आते हैं? चिंतामणि सर इस रीतिबद्ध में ही आते हैं सर, और रीति सिद्ध के प्रमुख बिहारी जी हैं। ठीक है, और मतीराम किसमें आते हैं? वो रीति सिद्ध में ही आते हैं। तो रीति मुक्त में कौन आते हैं? रीति मुक्त में तो मुख्यतः घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर। ठीक है, अभी इसकी अगर प्रवृत्तियां पूछा जाए, जैसे आदिकाल की प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे आश्रयदातों की उन्होंने प्रशंसा की है, जी सर, डिंगल पिंगल भाषा का उपयोग किया है, इसकी प्रवृत्तियां क्या रीति काल की? रीतिकाल में भी सर जो कवि हैं मुख्यतः ये अपने जीवन यापन के लिए राजदरबार में ही रहते थे, तो जहाँ से इनको आश्रय मिलता था इसलिए उनका ये गुणगान करते थे। कुछ प्रमुख कवि बताओ जो कि अपने राजाओं का गुणगान करते थे या फिर जो अपने जो वहीं आश्रय लेके रहते थे राजदरबार में। सर सभी कवि जो हैं राजदरबार में ही रहते थे, जैसे मतीराम जी है, बिहारी जी हैं, ये
बिहारी जी के बारे में एक प्रसिद्ध कथन रहता है कि गागर में सागर भरते थे। हाँ जी सर, सुना आपने? क्यों बोलते थे उनको ऐसा कि गागर? क्योंकि वो थोड़े से कथन में गहरी अर्थ बात कह जाते थे। जैसे उनका एक पंक्ति है, कुछ काव्य पंक्ति, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास अहिकाल अली कली सो बांधियो आगे कौन हवाल। वैसे तो इसका अर्थ ये है कि अभी तो फूल में कली है, उसमें ना तो पराग है ना कुछ है, अभी भंवरा फूल पर बैठा रहता है, और अगर फूल खिल जाएगा तब राज तब भंवरे का क्या हाल होगा। परंतु इसके अर्थ से वो राजा जी को, जो राजा हैं उनको संकेत कर रहे हैं, क्योंकि एक नवविवाहित रानी होती है जो हमेशा उन्हीं में मगन रहते हैं, तो इस वजह से कवि ने बोला है। चलो ठीक है, अब व्याकरण की बात कर लेते हैं। सर्वनाम होता है एक निश्चयवाचक, सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक, जैसे सर मैं बोल दूं यह पेन, तो पेन तो हो गया सर संज्ञा, और जो संज्ञा को विशेषता बता रहा है कि सिर्फ यही वाला पेन, यह पेन, तो ये निश्चय वो हो गया। ठीक है, जैसे वह होता है, तो वह भी आता है इसमें? हाँ जी सर, यह वह, ये निश्चय। तो वह तो हम किसी, जैसे मैं किसी राम राम बोल रहा हूँ, राम मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है, तो वह तो मैं यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ, तो वह तो मैं यहाँ पे राम के लिए यूज कर रहा हूँ, वह यहाँ पे सर्वनाम भी है। हाँ, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है वह यहाँ पर, और वह मेरा दोस्त है? वह मेरा दोस्त है, तो वह यहाँ पे संकेत, सांकेतिक सर्वनाम है सर, क्योंकि वो संकेत कर रहा है कि वह, कि वो जो है वो मेरा दोस्त है। और जो मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर वह क्या है? वह यहाँ पे सर्वनाम है, क्योंकि हम संज्ञा, कौन सा सर्वनाम है ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है सर। ठीक है, अभी जैसे विकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, क्या होते हैं? विकारी शब्द जिनके, जैसे संज्ञा सर्वनाम, इनको सब हम विकारी शब्द बोलते हैं, जिनसे इनकी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम है, ये संज्ञा है। अविकारी शब्द वो होते हैं, ये भी चार होते हैं, जैसे सर क्रिया समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और क्रिया विशेषण सर, ये हमारे अविकारी होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो द्विगुण वाले व्यंजन होते हैं वो कौन होते हैं? सुना आपने द्विगुण व्यंजन? जैसे आपने सुना होगा कि जो कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। जी सर, द्विगुण व्यंजन सुना है। जैसे कि वो व्यंजन होते हैं, इसमें जैसे रक्त, रक्त है सर, इसमें क आधा है, और क के साथ इसमें एक होता तो व्यंजन है, पर एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। तो जैसे रक्त क, क आधा है सर, इसमें हमारा स्वर नहीं है, पर तय है, तय में हमारा स्वर है, त ध। तो आप संयुक्त स्वर की बात कर रहे हो आप शायद कुछ। चलो, व्याकरण का जनक किसको कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का जो जनक है वो कौन है? हिंदी व्याकरण के सर जो पंडित दामोदर जी है, उनको हिंदी व्याकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, पानीपत के बारे में थोड़ा सा बैटल हुई है, पानीपत से आप बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर जो सेकंड बैटल हुआ वो कब हुआ? सर जो दूसरी लड़ाई है सर, वो 1556 ईस्वी में हुई है, 5 फरवरी 1556 ईस्वी में हुई है। ये अकबर और जो हेमू हिंदू राजा थे, हेमू विक्रमादित्य, उनके बीच में हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा ना भक्ति काल के बारे में बात कर लो आप, क्योंकि भक्ति काल पे बात नहीं हुई है। सर भक्ति काल को जो हिंदी साहित्य है उसका स्वर्ण युग बोला जाता है, और भक्ति काल में जो हमारे कवि थे वो हम समाज, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज में जो परिस्थिति उस समय प्रचलित थी, जैसे मुगल आ गए थे, उनके आक्रमण से हमारे जो हिंदू लोग हैं उनमें बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित हो गई थी, जैसे सती प्रथा, क्योंकि वो उठाकर ले जाते थे, तो सती प्रथा, बाल विवाह, घूंघट प्रथा, ये तभी शुरू हुई थी, और जाति पाति का भेदभाव ये भी तभी ज्यादा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। तब जाके भक्ति कवियों ने एक बोलते हैं ना, जब हारे का सहारा वो भगवान होता है, तो उन्होंने भी भगवान का आश्रय ले लिया था, भगवान की वो आश्रय लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे काव्य रचना। आराधना एक रचना लिखी, एक रचना है, किसकी आराधना रचना? आराधना गीतिका अर्चना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो पंत जी हैं उनके बारे में बताओ कौन थे पंत जी? इनको छायावाद के चार स्तंभ हैं, इनको छायावाद मतलब कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आधुनिक काल को, आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल बोला जाता है, भारतीय काल को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इस समय पुनर्जागरण, जैसे नाम से ही पता है कि अब जागरण मतलब कि लोगों में चेतना आ गई है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का समय, क्योंकि उस समय तक हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तो उस समय अंग्रेजों का ही यहाँ पे आधिपत्य था, तो पुनर्जागरण मतलब कि अब हमने अपनी
जागना है और अपनी अंग्रेजों वो राष्ट्रीय भावना से लोगों को जागृत करते थे ताकि जो लोग हैं। अब व्याकरण से संधि पे क्वेश्चन मेरा आपसे, तो जो संधि होता है इसमें जो गुण संधि होता है वो क्या होता है? गुण संधि जिसमें जो प्रथम शब्द जो है उसमें तो ए आता है और जो द्वितीय शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो तो ई होगा या उ होगा या री होगा। अगर मैं तथे बोलता हूँ तो उसमें कौन सी संधि है? तथा जमा में ई, इसमें सर गुण संधि है क्योंकि एक तथा और धन ई, अगर इनका हम अलग अलग विच्छेद करेंगे तो इस आ गया एक वर्ण में तो और दूसरी तरफ आ गया। अगर मैं बोलता हूँ इसमें वृद्धि संधि है तो? नहीं सर, वृद्धि संधि में तो ए और ए का ही विकार होता है। तो तथे में आपके अकॉर्डिंग गुण संधि है ना? जी सर। वृद्धि संधि है इसमें। चलो मैं दिग्गज बोलता हूँ, दिग्गज कौन सी संधि है? दिग्गज सर ये तो व्यंजन संधि है। ठीक है, और अगर मैं उल्लास बोलता हूँ तब? ये भी व्यंजन संधि है सर। और अगर मैंने मनोभाव बोला? मन, ये विसर्ग संधि है सर। ठीक है, मन जमा में भाव। ओके, अब निरर्थक, निरर्थक बोलता हूँ मैं, ये कौन सी संधि है? निरर्थक सर विसर्ग संधि। रस होते हैं ना, रस कितने रस है वैसे? अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। वैसे तो मूल रूप से तो सर 9 रस है, परंतु आज उनके उसमें 11 बट जैसे। अच्छा, रस के आगे 4 पार्ट होते हैं? जी होते सर, हैं जी। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कौन से है रस में, वो चीज जो महत्वपूर्ण होना चाहिए? भाव, अनुभाव, संचारी भाव, जो भी है उद्दीपन, ये इसमें आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? सर विभाव, क्योंकि उसी को ही देखकर जो है रस की उत्पत्ति होती है, तो जब तक रस की उत्पत्ति नहीं होगी तो। अच्छा, स्थायी भाव के बारे में बताओ कि ये क्या होते हैं? स्थायी भाव जी ये होते हैं जो हमारे बिल्कुल मतलब कि साथ ही रहते हैं, ना तो मतलब कि ये खत्म हो सकते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं, परंतु जब हम किसी उसको देख लेते हैं कोई जैसे फूल्स को देख के हम बोलते हैं बहुत सुंदर है, एकदम से हमारे मन में आ जाता है, उसे हम स्थायी भाव बोलते हैं। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन भी बता दो। आलंबन सर जब नायक, आलंबन जब हम किसी को देखकर, जब कोई कारण होता है या फिर कोई भाव होता है जिसको देखकर रस की स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उत्तेजक हो जाता है, उसे हम आलंबन बोलते हैं। आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसको देख कर स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो उसे हम जैसे उदाहरण के रूप में जब राम जी सीता जी को वन में देखते हैं, उपवन में देखते हैं, तो सीता जी को देखकर राम जी के मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो डेमो प्रिपेयर किया आपने? जी सर। ठीक है, सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो बच्चों, आज बताओ आज क्या दिनांक है? सबसे पहले क्या दिनांक है? 6 मई। क्या है? 6। हम कौन सी कक्षा में है? 9वीं। कौन सी कक्षा में है? 9वीं। हमारा विषय क्या है? हिंदी। अच्छा बच्चों, अब आप सब किसी ना किसी भगवान को सभी मानते हैं, मानते हैं ना? ठीक है, तो कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, तो आज हम कृष्ण भगवान जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो है उनकी भक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताओ दिवाकर, आप मुझे बताओ कि कृष्ण भक्त जो है, बहुत सारे भक्त हुए, अब आपको कक्षा 9वीं में आ गए, आपने पहले भी पढ़ा होगा कोई ना कोई, तो कृष्ण जी के कौन कौन से भक्त हैं? दिवाकर मतलब सूरज। जी सर। सूरज के और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? सूरज के तो सूर्य, भानु, रवि, दिनकर। ठीक है, चलो पढ़ाओ। तो बताओ आप कोई नाम बताओ। अच्छा दिवाकर, दिवाकर ने नाम बताया है मीराबाई। मीराबाई भी क्या थी? कृष्ण जी की भक्त थी। और सुधांशु आप बताओ। सूरदास जी। कौन थे? सूरदास जी। बहुत अच्छे, तो ये सब हमारे क्या थे? कृष्ण भक्त थे। एक और है बच्चों जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनका नाम है रसखान जी। क्या नाम है? रसखान जी। और आज हम पढ़ेंगे रसखान जी के सवैये, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है क्या नाम है,
रस खान, रस खान मतलब कि रसों की खान। जो बच्चों इनका मूल नाम है, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है, बैठ जाओ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो स्टूडेंट्स का भी, इनफैक्ट पेरेंट्स का भी, उनके हिंदी से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, ऑब्वियसली इंग्लिश की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। ऐसा को लगता है कि ये हो रहा है सबसे पहले? जी सर, ये तो बिल्कुल आपकी तर्क संगत बात है, ये आजकल हो रहा है। पर ऐसा ज्यादातर क्यों है? क्यों हम हिंदी से क्यों ऐसे भाग रहे हैं इंग्लिश की तरह? क्योंकि ज्यादातर जो है सभी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को सब लोग प्रेफरेंस देते हैं, सब यही सोचते हैं कि इंग्लिश है, ये सोचते हैं अगर इंग्लिश है तो इसको अच्छा ज्ञान है, बस सर ये बात है और कुछ भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम वापस लोगों को हिंदी तक लाने के लिए, क्योंकि मातृभाषा है हमारी हिंदी? जी सर, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो सर हमें हिंदी के लिए अब तो काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं हिंदी को करने के लिए। हमें सबसे पहले हिंदी को, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो अब लोगों में जागृति भी आ गई है, अब ऐसा नहीं है कि सब इंग्लिश के पीछे ही भाग रहे हैं। अब जैसे सर पहले जो बीटेक के से जो कोर्स होते थे सिर्फ इंग्लिश माध्यम से ही होते थे, पर अब हिंदी माध्यम से भी होने लगे हैं, तकनीकी विषय भी हम हिंदी से पढ़ाने लगे हैं, लोगों में हिंदी की जागृति आ रही है। जैसे भारतेंदु जी का कथन था, निज भाषा उन्नति होए सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही एक असूल। एक असूल मतलब कि निज भाषा से ही हमारी उन्नति होगी, जो हमारा हर देश की जो अपनी राष्ट्रभाषा है वो उन्हीं से हमारी उन्नति होगी। और ही एक असूल मतलब कि हमें जो अपना दुख होता है, दर्द होता है, वो सिर्फ अपने हम हिंदी भाषा के माध्यम से ही मतलब कि उसको अच्छे से दूसरों को समझा पाते हैं। ठीक है, मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कि आपने जैसे केवीएस के लिए अप्लाई किया हुआ यहाँ पे, तो केवीएस के बारे में आपको कुछ जानकारी है, कुछ बताएंगे हमें केवीएस के बारे में? सर केवीएस जो एक स्वायत्त संस्था है और ये केंद्र सरकार की संस्था है, इनकी केवीएस की सर इनमें जो है जो सेना में हमारे जो अधिकारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, ताकि उनका अगर कहीं भी दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाए तो उनके बच्चों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में। और सर केवीएस की पूरे भारत में 1249 स्कूल हैं, और जिसमें से 3 स्कूल हमारे भारत से बाहर भी हैं। भारत से बाहर कहाँ पर है? सर काठमांडू में है, रशिया में है और तेहरान में है सर। ठीक है, 3। ओके, आपको केवीएस क्यों ज्वाइन करना है? केवीएस के अलावा भी और भी काफी सारे इंस्टीट्यूशन है, तो केवीएस में ऐसा क्या है कि जो जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रभावित हो गए कि मुझे केवीएस ही ज्वाइन करना है? सर विविधता, एक तो विविधता है सर यहाँ पे, जो मतलब कि स्टाफ भी है और जो बच्चे भी हैं यहाँ पे विभिन्न तरह के विशेषताओं वाले होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनसे जानने को मिलता है। और सर ये पढ़ाना सर ये तो एक द्विआमी प्रक्रिया है, इसमें हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, तो हमें औरों से सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ। ओके, अभी जैसे आपका डेमो भी हो गया है, सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन हो गए आपके, तो एक हमारा अभी आखिरी सवाल रहेगा पैनल की तरफ से आपके लिए। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिए हैं आज, काफी सारे कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं और सभी का इंटरव्यू काफी अच्छा हो रहा है, बट हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करना है, तो आपको हमें कन्विंस करना होगा इन नेक्स्ट 30 सेकंड्स व्हाई वी शुड हायर यू फॉर दिस पोजीशन। सर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि जो मैं हूँ, मैं अपने ज्ञान को जो बच्चों को है बहुत अच्छे तक उदाहरण देकर बच्चों को बहुत अच्छे तक समझा सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि जो आए हैं पूर्व शिक्षक उनको अनुभव नहीं है, उन मुझसे ज्यादा अनुभव होगा, परंतु मैं जो हूँ किस खेल में या फिर ऐसे उदाहरण देके ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ जाएं और उसे कभी भूले ना, तो इस वजह से। ठीक, नीतू मैम, तो ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था आपका, ये फर्स्ट ये था आज ये, बट काफी अच्छा ये था आपका, आपकी वॉइस अच्छी है इंटरव्यू के लिए, जिस तरीके से वॉइस और कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो दिखा है, आपका वॉइस भी अच्छा था, कॉन्फिडेंस लेवल एंड तक आपका सेम मेंटेन रहा, कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि कुछ क्वेश्चंस के बाद ऐसे हो जाता है कि जो शुरुआत में जो कॉन्फिडेंस थी वो बाद में खत्म होते जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं होता है, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका हमें जवाब नहीं होता है, उसकी वजह से हमारी कॉन्फिडेंस लो हो जाती है, बट आपका कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द ईयर सेम था। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की थी कि
नॉर्मली जैसे आप जब भी इंटरव्यू के लिए आए तो आपको ये देखना है कि अगर तीन पैनलिस्ट है तो तीनों से आई कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सर कर रहे थे तो आपका थ्रू आउट द आई कॉन्टेक्ट उनसे था, या मैं पूछ रहा था तो मेरे से था, या सर पूछ रहे थे, तो आप कोई भी सवाल का जवाब दो तो ये थोड़ा ध्यान रखेगा कि आई कॉन्टेक्ट तीनों पैनलिस्ट से रहे। बाकी डेमो वगैरह भी अच्छा था आपका, एंगेजिंग वगैरह आपने काफी अच्छा ये स्टार्ट किया था, उसको कोई ये नहीं था, उसमें दिक्कत तो नहीं थी। बाकी कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए तो उसके भी आपने काफी अच्छे तरीके से जवाब दिए, तो ओवरऑल ठीक था। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, बाकी ओवरऑल ऑल द बेस्ट। ठीक, जैसे सर ने बोला कि फर्स्ट आपका इंटरव्यू है ये पैनल में, तो उस हिसाब से ठीक था और सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी ठीक है आपकी, कुछ चीज़ें थोड़ा आपको देखनी पड़ेंगी। और जहाँ तक डेमो की बात है, डेमो में आपने पहले विषय लिखना था, उसके बाद वो विषय कक्षा को हम साइड लिखते हैं, आपने स्टार्टिंग में कक्षा नौवीं लिख दिया, बाकी ठीक है। तो ओवरऑल मैम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही होता जी सर, आत्मविश्वास आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है। और आपने वो शुरू करने से पहले डेमो आपने परमिशन लेना था हमसे, क्योंकि हमें इसको अपनी क्लास और आपको अपने विद्यार्थी मान सकते हैं, तो वो ही परमिशन जरूर लेना। बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, कुछ कुछ क्वेश्चन जब हमने पूछे आपको जो आपको सपोज ये तो नहीं है पता था, उसमें आप ऐसे सोच के स्माइल से पास कर रहे थे, वो थोड़ा सा अवॉइड करना, आप सोच लीजिए एक मिनट, अभी आप सब बहुत ही स्वाभाविक जो हिंदी में आता है। थैंक यू।